इल्ली और घुन की कहानी कार्तिक माह में रोजाना स्नान के बाद सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी के बिना कार्तिक माह के स्नान का पूरा फल नहीं मिलता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इल्ली और घुन की बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी। बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों में इस तरह बातचीत होती रही और इस बातचीत के बाद इल्ली राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने के कारण इल्ली का जन्म राजा के घर में होता है और घुन राजा के यहाँ पर गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होते समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई और राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई। तब बेटी बोली, पिताजी मुझे कुछ चाहिए। तब राजा बोला, हाँ बेटी बता, तुझे क्या चाहिए। तुझे जो भी चाहिए वह तू मांग ले। तो लड़की बोली, पिताजी मुझे यह गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले, अरे यह क्या बोल रही है, ये क्या मांगा तूने, और कुछ मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लेकिन लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और बोली, नहीं पिताजी मुझे तो यही गधा चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चल पड़ा। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली, जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले तब तो तूने मना कर दिया। तूने कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की इस बातचीत को देवरानी जिठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गईं और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह लाए हो, यह तो जानवरों से बतलाती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला, मैं जब अपने कानों से सुनूंगा, आंखों से देखूंगा, तभी तुम्हारी बात मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने फिर उससे वही बात कही, जिस पर रानी ने वही जवाब दिया कि जब तुझे कहा था कार्तिक नहा ले तो नहाया नहीं, अब खा अपना बाजरा और पी ठंडा पानी। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आ गया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा, अब तो मैं सब जानकर ही रहूंगा, मुझे सच सच बता। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह एक इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही थी लेकिन इसने मना कर दिया, इसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य होता है। रानी ने कहा, हाँ बहुत पुण्य होता है, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक मास का इतना महत्व है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुख पूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज,
जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा सबको देना, और जैसा घुन को दिया ऐसा किसी को मत देना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।